गाइस आज जो बनाने जा रहे हैं हम चने की दाल और गोश्त, जिसके लिए हमने ये दाल ले ली है। जो चाय का कप होता है वो 3 कप ली है, तो ये 3 कप दाल है। तो ये हमने आपको दिखाने के लिए सिर्फ निकाली हुई है, बाकी हमने ये दाल धो करके रेडी कर ली है कुकर में और इसको चलाने जा रहे हैं हम। और ये गोश्त है, गोश्त हमने कल आलू गोश्त बनाया था, तो ये करीब 350 ग्राम बकरे का गोश्त था, जिसका हमने थोड़ा निकाल लिया था, 7-8 बोटी निकालनी थी पीसेस। तो इनको हम ये दाल के साथ बनाएंगे, लेकिन अलग अलग बनाते हैं, हम साथ में नहीं बनाते हैं। तो ये दाल के लिए मसाला है हमारा, ये हल्दी है, हल्दी 1/2 टीस्पून है, 1 टीस्पून धनिया क्वार्टर, 1/2 ही स्पून रख लीजिए आप, 1/2 टीस्पून है। और ये 1/2 टीस्पून जो है ये हमारी सौंफ है, सौंफ थोड़ी सी हम डालते हैं, ज़रूर डालते हैं दाल में। और ये नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, नमक मिर्च हम हमेशा बताते हैं कि टेस्ट के अकॉर्डिंग पड़ता है। और गाइस ये कुछ खड़े मसाले पड़ेंगे जिस दाल में हमारे, तो दाल के लिए ये इतना है, ये है, ये 1 तेज़पत्ता ले लिया है, 2 दालचीनी छोटे पीस थे तो हमने 2 ले लिए हैं, और ये थोड़ा सा वो जो फूल आता है ना, स्टार फूल, जिसको स्टार बोलते हैं, बदान फूल बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, कई जबानों में बोला जाता है, तो ये वो है। और ये बड़ी इलायची है, 2 तेज़पत्ते हैं, और ये 2 दालचीनी है, और ये वही फूल है। तो गाइज इसको हमने गोश्त में डालने के लिए तैयार करा है, और ये दाल में डाल देंगे। और प्याज ले ली है, प्याज देखिए आजकल ये हरी सी हो रही है, जब लेके रख लो तो ये होने लगता है, ये निकलना है इसमें। खरी हमने ली है प्याज गोश्त के लिए, और ये इतनी हमारी कटी हुई रखी है, तो छोटे साइज़ की प्याज है, इसलिए हमने 3 से 4 प्याज ले ली है इतने सालन बनाने के लिए, और ये भुना भुना रहेगा, तो जिसके लिए हमने ये प्याज काटी है। ये भी समझ लीजिए कि ये दो साइज इतनी छोटे साइज़ की 2 प्याज हैं। और इसके लिए ये धनिया लिया है, ये 1 टेबल स्पून धनिया ली है, ये टीस्पून है और ये 1 टेबल स्पून है। और नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, जितना आपको पसंद आता हो उतना डालिए, तेज़ खाना हो तेज़ डालिए। हल्दी थोड़ी सी पड़ेगी, बिल्कुल 1/4 टीस्पून पड़ेगी। और खड़े गरम मसाले आपको दिखा दिए, ये गोश्त के लिए हमारा है, ये इधर का ये वाला ये गोश्त के लिए है, और ये वाला सारा मेरे दाल के लिए है। और दाल बनने के बाद में ये गरम मसाला पड़ेगा, ये गरम मसाला हमारा होम मेड है, वो हम दिखा देंगे आपको। और ये पुदीना ज़रूर पड़ता है, ये चने की दाल में हम पुदीना ज़रूर डालते हैं, हरा धनिया भी लोग पसंद करते हैं, हरा धनिया भी डालिए, पुदीना, धनिया गोश्त में डाल देंगे, पुदीना हम दाल में डालेंगे। और दाल जब खाली बनाते हैं जब भी पुदीना डालते हैं, और वैसे भी बनाते हैं गोश्त के साथ जब भी डालते हैं। तो चलिए हम डालते हैं अपना सारा सामान, मेरी दाल धुली हुई है, ये दाल हमने धो ली थी, धोने के बाद में हम गैस ऑन कर देंगे, और ये दाल का सारा मसाला डाल देंगे, ये देखिए इसी में डायरेक्ट, और ये खड़े गरम मसाले डाल देंगे, ये और हाँ फ्रेंड्स ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये गोश्त में भी पड़ेगा और थोड़ा सा दाल में पड़ेगा, तो दाल में हम इतना डाले दे रहे हैं, ये देख लीजिए आप लोग, और गोश्त में ये इतना 1 टी स्पून पड़ जाएगा, और इसमें 1/2 टी स्पून डाला है दाल में। थोड़ा सा सरसों का तेल जो है वो आप ज़रूर डाल दिया करिए दाल में, तो इससे हमारी दाल बहुत जल्दी गलती है, और सबसे मेन चीज़ जो होती है वो बाहर नहीं आती है, जो प्रेशर बनता है, तो ये यहाँ से साइड से पानी निकल आता है ना, या ऊपर उसके सीटी के पास से, तो वो चीज़ नहीं आएगी।
हमने इसका लेट लगा दी है। तो गाइस जो ये दाल नहीं यहाँ से पानी निकल आता है इस जगह से तो ये चीज़ नहीं आएगी। तेल डालने से कच्चा तेल डाल दीजिए आप बिना किसी टेंशन के तेल, और ये आपका बढ़िया बन जाएगा। अपना कुकर इधर शिफ्ट कर देते हैं। अभी हम जब ये गोश्त बनाएंगे तो आप लोगों को से शेयर करते हैं। जब तक हम बना लेते हैं चाय। चाय कौन कौन ले रहा है उधर? तुम लोग लोगे कोई? अप्पी से पूछो है? तो ये हमने चाय का पानी रख दिया है। चाय हम थोड़ी बनाएंगे, बस 2 से 2.5 कप चाय बनेगी मेरी। सारे लोग चाय मेरे घर में नहीं पीते, हस्बैंड के पसंद ही नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा चाय। वो उन्होंने दूध ले लिया है कप में, और हम पियेंगे। एक बेटी पिएगी छोटी वाली, और मेरा भाई है वो पिएगा बस। अदरक थोड़ी सी घिस के डाल दीजिए, अदरक से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और ठंड में तो आजकल अच्छा भी लगता है। इसको भीगने दें, गंदा बहुत हो गया है वो। इसमें चाय की पत्ती डाल के दो लो। इसमें चाय पत्ती शक्कर दोनों डिब्बों में निकालो। आ जाओ बेटा। तो गाइज़ ये बहुत ही अच्छा हमारा खाना बनेगा आज इंशाल्लाह। ये डिनर तैयार करने जा रहे हैं, और शाम का 5 बज रहा है और चाय हमारी रेडी हो रही है इधर। और
तो गाइज आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेरी तबीयत फिर से रिपीट हो गया था हमको टाइफाइड, अभी लास्ट ईयर हमको हो चुका है अप्रैल में, रमज़ान के टाइम पे हमको बहुत ज़बरदस्त टाइफाइड हुआ था। हमारे जो पुराने व्यूवर्स हैं और सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा मेरे बारे में। और अभी 8 महीने हुए हैं सिर्फ हमको ठीक हुए, और ये रिपीट ज़रूर हो जाता है, जो लोग वीक हैं उनके साथ में कंडीशन अप्लाई होती है, तो हमको ये फिर से हो गया था। तो अभी भी मेरी आवाज़ से आप लोग को पता चल रहा होगा कि अभी हम उतनी तरह पूरी तरह से नहीं ठीक हुए हैं। अभी दवा मेरी चल रही है और काम तो है ही है, घर में काम करना पड़ जाता है, इतनी जिम्मेदारियां हैं और करीब करीब सभी हर लेडी के साथ होता है ये, लेकिन मेरे साथ लगता है कुछ ज़्यादा है। अगर नहीं उठो नहीं करो तो सब सारा माहौल डिस्टर्ब हो जाता है, सारी जिम्मेदारियां मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, तो उनको संभालना बहुत ज़रूरी है, नहीं करेंगे तो। तो गाइज आप लोग तो बहुत अच्छे से, जो लेडीज़ होती होंगी इस तरह से, तो सारे लोग सब समझती होंगी कि घर का माहौल डिस्टर्ब हो जाता है अगर लेडीज पड़ जाती है उसकी तबीयत ख़राब होने से या उसके लेटने से, उसके जाने से घर डिस्टर्ब हो जाता है, ये हर लेडी जानती होगी। लो बेटा चाय लो आकर के। बिस्किट है, ये बिस्किट और चाय ले लेंगे, ब्रेड नहीं खाएंगे इस टाइम, ना चिप्स खाएंगे, हमें तो चिकनी चीज़ें मना करी हैं, फ्राई करी हुई, तो हम तो वैसे भी नहीं खाएंगे, बच्चों को दे देते तो एक बच्चे की भी तबीयत खराब है, जिस बेटी का पैर फ्रैक्चर है उसको वो चाय नहीं पीती है और खाती भी नहीं है ज़्यादा कुछ। तो चलिए मिलते हैं अभी चाय पीने के बाद में, अभी आपको दिखाते हैं कि कैसा बना हमारा खाना, अभी हम गोश्त की रेसिपी आपको देंगे। गाइस ये हमारी दाल एकदम रेडी हो गई है बन करके, चने की दाल जो कि तैयार है बढ़िया, और इसका ये जो खड़ा मसाले पड़े होते हैं ना गरम मसाले, ये हम हटा देते हैं सारे, चाहे वो गोश्त में हो चाहे ये दाल में हो, ये सब हटाते रहते हैं बीच बीच। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से बन के आई है, अभी इसको हम बढ़िया से घोट लेंगे मथानी से या आलू मैशर से। पहले हम दाल को बाद में ठीक करेंगे, पहले हमारा कुकर सूख गया है तो हम इसमें बघार देते हैं गोश्त। ये स्पून जो हमारा ये टेबल स्पून है, ये हांडी वाला जो दाल वाला, ये काफ़ी बड़ा है साइज़ का, इसलिए हमने इसमें 2 डाले हैं, तो इतना ठीक है इतने गोश्त के लिए, मसाले के लिए। तो थोड़ा सा और डाल देते हैं तो दाल अलग से भी फ्राई होगी और ये इसमें मिक्स करके खाया जाएगा।
फ्रेंड्स, आप लोगों को आवाज़ बहुत आती रहती होंगी अगल बगल से हमारे यहाँ, क्योंकि इधर विंडो है मेरे किचन में, इधर मेरा जो घर है ना, मेरा फ्लैट, वो टू साइड ओपन है, तो इसलिए आवाज़ बहुत आती है बाहर की, और फर्स्ट फ्लोर है तो इसलिए आवाज़ बहुत आती है। कोई लकड़ी तोड़ रहा है ठंड में जलाने के लिए, इसकी भी वॉइस आ रही होगी, तो आप लोग यार थोड़ा सा माइंड मत करिएगा, इग्नोर कर दीजिएगा, ये वॉइस हमें दे रही है, तो ये आप लोगों के साथ रहेगी पीछे। चलिए जल्दी से हम ये रेडी कर लेते हैं, गोश्त को बघार देते हैं। और हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी खैरियत से हैं। तो देख लीजिए गाइस, अब हमारी तबीयत बहुत ही मामूली सी फ्रेश हुई है, मतलब ठीक हुई है, कम हुआ है थोड़ा फीवर, और अभी भी मेरी आवाज़ आपको साफ नहीं लग रही होगी, मेरी खांसी बहुत आ रही है, एकदम सूखी बिल्कुल आ रही है, एकदम जैसे कांटे से लगने लगते हैं, और ये चेस्ट वगैरह सब दुखता है, और दवा चल रही है मेरी, हम पी रहे हैं, पीने का भी सिरप है हमारा, काफ़ी अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत आराम मिलता है, डॉक्टर को दिखा के दवा ले रहे हैं, उससे भी आराम है हमको, और लेकिन काम तो करना ही है, खाना बनाना ही है। दो तीन दिन बच्चों ने मैनेज कर लिया, हम दुबले भी हो गए होंगे, आप लोगों को फ़र्क लग रहा होगा मेरे में, अभी हम फ्रेश नहीं हैं, पूरी तरह फ्रेश नहीं हुए हैं, लेकिन क्या करें। तो चलिए दुआ करिए आप लोग इंशाल्लाह जल्दी से। और हाँ गाइज, अब हम अभी शादी की तैयारी करने वाले हैं, हमारे यहाँ शादी पड़ रही है, हमारी रिलेशन में, मेरी फैमिलीज में, मेरी तब लोगों ने, हमने आपसे जिक्र करा था ना कि हमारे यहाँ नंद की बेटी की शादी होने वाली है, लेकिन हो सकता है कि हम आपको शादी ब्लॉग्स नहीं दे पाएँ, हम अपने को अपने ब्लॉग्स देंगे लेकिन हम शादी ब्लॉग नहीं देंगे, शायद देख लेते हैं क्या रहती है कंडीशन, और तैयारी हम पूरी दिखाएंगे आपको अपनी, अपने घर की, हमने क्या क्या बनाया है, क्या क्या हम अपने उसमें शादी में हम पहन रहे हैं, क्या सिलवा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब मेरी स्लो मोशन में हमारी सारी तैयारियां चल रही हैं, अल्लाह जैसे करवाता है वैसे सब हो रहा है माशाल्लाह से, लेकिन हो रहा है सब कुछ, अल्लाह काफ़ी बड़ा है सबके लिए, मालिक कोई किसी का इंसानी सहारा कोई नहीं होता, मेरे हिसाब से सब अल्लाह बेहतर करता है, बस अल्लाह ही काफ़ी है, हम उसी पे ही डिपेंड रहते हैं अपने अल्लाह से, और मेरा अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हम जो जैसा जो कुछ चाहते हैं हमारे अपने हस्बैंड के ज़रिए से हमें माशाल्लाह से हमें हर चीज़ वो मिलती है, वो जैसे भी जिस काबिल भी हैं वो हमें हमारे बच्चों को सबको माशाल्लाह से बहुत खुश रखते हैं, बहुत बेहतर रखते हैं, अल्लाह ताला उनको उनकी कमाई में बरकत दे, आप लोग दुआ करिए कि उनका काम, उनका बिजनेस जो भी है, बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों को, सबको पता होगा, हर लेडीज़ को पता होगा कि सबके हस्बैंड मेहनत करते हैं, और अल्लाह ताला उसका सिला अल्लाह पाक देता है, तो मालिक हम लोगों के साथ भी हो, ऐसे भी बेहतर हो, तो आप लोग खूब दुआ करिए कि हमारे भी हालात बेहतर हों, और जैसा जो थोड़ा सा मर्ज़ी के हिसाब से जो चाहते हैं वो चीज़ें नहीं कर सकते हैं, टाइम टू टाइम नहीं हो पाती हैं, थोड़ा डिले हो जाता है, लेट होता है, लेकिन हो जाता है, खैर अल्लाह की मर्ज़ी ही सब होगा। और तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये तेल एकदम बहुत अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसमें हम ये खड़े गर्म मसाले डाल देंगे, इसकी प्याज हम फ्राई नहीं निकालेंगे, इसलिए हमने खड़े गर्म मसाले डाल देंगे, और ये जो प्याज हमने इसको चॉप कर ली थी उसको डाल दिया है, और अब ये दाल वाला स्पून अब हम इसमें कर लेंगे, ये वाला इसमें कर देंगे, कि ये थोड़ा छोटा है, इसका हैंडल छोटा है, साइज फैला हुआ है उसका, गहरा है, बस ये थोड़ा सा डिफरेंट है, और कुछ खास बात नहीं है। ये देखिए हमारा बकरे का गोश्त मेरा धुला रखा था, कल हमने धो के साफ करके रख दिया था, ये बहुत ज़्यादा नहीं है, 7-8 9 बोटी हैं,
दाल हम इससे ठीक कर लेंगे। और आप लोग भी थोड़ी सी कुछ फरमाइश करा करिए, बताया करिए आप लोगों को किस तरह के ब्लॉग्स चाहिए, क्या रेसिपीज चाहिए, या किस तरह का क्या देखना चाह रहे हैं, क्या पसंद करते हैं, तो फरमाइश करा करिए, बताया करिए, अपनी ख्वाहिश बताइए, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वो दिखाने की, देने की। और दुआ करिए कि मेरी तबीयत एकदम फ्रेश हो जाए और हम कंटिन्यू हो जाएँ अपने काम में। बहुत हिम्मत के साथ में हम बना रहे हैं ये खाना। तो मैं कल भी बनाया था शाम में, कल आलू गोश्त बनाया था, उसका भी वीडियो बनाना चाह रहे थे लेकिन नहीं बना पाए थे हम। और इसमें सारे मसाले जो निकले रखे थे वो डाल दिए हैं। फ्रेंड्स होता क्या है कि हम लोगों को इतना अंदाज होती है कि हम लोग फटाफट डिब्बों से ऐसे ही स्पून से डालते जाते बनाते जाते हैं, लेकिन जो बिगनर होते हैं उनको प्रॉब्लम आती है बनाने में और लोग नहीं समझ पाते हैं, तो ये हमने उनके लिए थोड़ा सा इजी करा है। और इंशाल्लाह बहुत अलग अलग तरह के देंगे ब्लॉग्स हम। और बस आप लोग फरमाइश करिए, आप लोग डिमांड करिए अपनी कि आपको क्या चाहिए, किस तरह के ब्लॉग चाहिए, तो हम वो कोशिश करें दिखाने की। तो गाइस ज़रूर बताइएगा। अब गैस की फ्लेम हम कम कर देंगे और ये इसकी लेयर लगा देंगे बढ़िया से। ये अभी 2 सीटी में ये बन जाएगा। चलिए जब तक हम ये हमारा इधर रेडी हो रहा है, इधर हम ये दाल ठीक कर लेते हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया घुड़ गई है दाल एकदम, बहुत अच्छे से ये हमने मथानी से, जो रही हो बोलते हैं कुछ लोग मथानी बोलते हैं, हम लोग तो यूपी साइड लखनऊ से हैं तो हमारे यहाँ मथानी बोली जाती है, और इधर राजस्थान साइड इसको रही बोलते हैं। तो ये देखिए दाल हमारे यहाँ थोड़ी घुटी पसंद करते हैं हमारे हस्बैंड खासकर, तो इसमें ये बहुत बढ़िया बनी है दाल, बहुत अच्छा टेस्ट आया है। फ्रेंड्स एकदम बढ़िया ये भी गल गया है, बस अब इसको भून लेंगे। तो माशाल्लाह से ये देखिए ये भी तैयार हो गया, और अभी से आपको दिख रहा होगा ये कितना अच्छा है इसकी, ये देखिए एकदम बढ़िया बना है।
और इसको अभी भून लेंगे भूनने के बाद में। और इसको चाहे आप लोग अलग खाइए मिला करके और चाहे एक साथ डाल दीजिए अब उसमें, लेकिन हम बनाते दाल गोश्त अलग ही अलग हैं, इसका टेस्ट बिल्कुल अलग आएगा। जब आप अलग अलग बना करके फिर से मिक्स कर देंगे वो टेस्ट अलग होगा, और दाल के साथ गोश्त डाल के बनाएंगे वो टेस्ट अलग होगा। बहुत सादा सा गोश्त लगता है जो दाल में पड़ करके पकता है, साथ में बिल्कुल सारी सारी सी बोटी धुली धुली सी रहती हैं, और वो इतना टेस्टी हम लोगों को नहीं लगता है। बाकी बहुत तरह से बनाया जाता है, बहुत तरह से जिसको जैसा पसंद आता है। लेकिन गाइज हमारा वाला आपको ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा। और जो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, हमारी रेसिपीज़ को बनाते हैं शायद, तो लोग पसंद कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं। और फिर हम आप लोगों से बोल रहे हैं कि आप हमें बताइए, आप हमसे फरमाइश करिए कि आप हमें किस तरह से देखना चाह रहे हैं, कौन सा ब्लॉग हमसे मतलब किस टाइप से ब्लॉगिंग हम करें आपसे, और कौन सा वीडियो पसंद करना चाहेंगे आप, तो वो हम आपको दिखाएं इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे पूरी अपने व्यूअर्स को खुश करने की, दिखाने की। तो गाइस ये बहुत बढ़िया सा, ये देखिए एकदम भुन गया है, बहुत ही बहुत पानी बहुत थोड़ा सा डाला था ना तो ये भुन गया। और ये हमने हरा धनिया धो के काट के साफ करके रख ली थी, और ये पुदीना, ये पुदीना हमारा ड्रायर है, इसको हम सूखा करके हमेशा रखते हैं अपने पास, और हरा भी है, हरा अलग सूख रहा रखे अभी, लेकिन ये हम दाल में डालेंगे और ये गोश्त में डालेंगे। तो ये बिल्कुल रेडी हो गया है, ये देखिए बढ़िया जोरदार भुन गया है। और ये गरम मसाला 1 स्पून हम दाल में भी डालेंगे, और 1/4 टीस्पून जो है वो हम इसमें डाल देंगे, फिर डबल हो जाएगा ना मिल करके, तो फिर ये थोड़ा तेज रहेगा, क्योंकि होम मेड है, काफ़ी तेज है, स्ट्रांग है ये। इसमें ये हरा धनिया डाल देंगे गोश्त में, बहुत डिसेंट माशाल्लाह से अलहमदुलिल्लाह बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बना है, बहुत ही यमी है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये एकदम बन गया है, बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, ज़बरदस्त। तो आप लोग ये देख लीजिए, ये पुदीना हम इसमें डाल देंगे, बहुत डिसेंट माशाल्लाह से। बस अब ये थोड़े से चावल बन जाएंगे सादे इसके साथ, और रोटियां बन जाएंगी, फिर आपको फाइनल लुक दिखाते हैं इंशाल्लाह।
ये फाइनल लुक हुआ है हमारी दाल गोश्त का। और आप ऐसे इस तरह से भी खा सकते हैं मिला करके अलग अलग, या पूरा एक में मिक्स कर दीजिए अच्छे से, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। हम लोग लेकिन ऐसे ही बनाते हैं। तो आ जाइए हमारे यहाँ डिनर पे आप लोग। चलिए मिलते हैं एक अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। जो न्यू सब्सक्राइबर है वो सब्सक्राइब करेंगे, बाकी लाइक शेयर करिए, कमेंट ज़रूर करिएगा किसके किसके घरों में ये चने की दाल गोश्त पसंद करते हैं और खाया जाता है। तो ठीक है, मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।